जैसे जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म होते हुए जा रहा है। तो वहीं विधानसभा पृथ्वीपुर कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने विधानसभा पृथ्वीपुर से विधायक रहे शिशुपाल यादव पर जोरदार तंज कसा है। कहा है कि विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है और जो विकास हुआ है वह केवल कागजों में समट कर रह गया है। लोग परेशान हैं, बताया कि जनता से लगातार बर किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता जनार्दन के हित में ही कार्य किया जाएगा। इसी दौरान जमकर भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील भी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बिल्डिंगें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, जमीन के नोटिस दिए गए, लगातार दबाव की दमन की राजनीति की गई। जिस तरह से हमारे केवट समुदाय के लोगों की बिनारी में हत्या हुई, गुलाबपुरा में हत्या हुई, हमारे अहरवा समाज के साथियों की मनिया में, गोवा में, चिकटा में, घुरारा में जिस तरह से निर्दयी तरीके से मारपीट की गई, भाई बहन के साथ मारपीट की गई, तो ये जनता से छुपा नहीं है। इसी पृथ्वीपुर नगर में खुलेआम एक ब्राह्मण महिला की हत्या कर दी गई थी, खुलेआम लूट और चोरियां हुई, मोहनगढ़ में चोरियां हुई, दिगोड़ा में चोरियां हुई। तो ये सब बताता है कि इससे पहले स्वर्गीय पिताजी जब थे, जो अमन चैन और शांति का माहौल इस पृथ्वी पर विधानसभा में था, उसको ध्वस्त किया गया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने आके यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आए जिन्होंने यहाँ का माहौल खराब किया, जिससे लोगों का जीना दुश्वर हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता इस वक्त इन चीज़ों से प्रभावित है और प्रताड़ित है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो 18 वर्षों से इस मध्य प्रदेश में है, महंगाई निरोदिन बढ़ती चली जा रही है, टमाटर जैसी सब्जी जो हमारे किसान साथी को जब बेचनी पड़ती है तो 10 रुपए की नहीं बिकती और जब इनको सेठों से खरीदनी पड़ती है तो 250-250 रुपए किलो के रेट पे बिकी, प्याज जब इनको बेचनी पड़ती है तो 10 रुपए की नहीं बिकती, जब सेठों से खरीदनी होती है तो 80-80 रुपए किलो बिक गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार की आदत इतनी ज्यादा है कि बिजली से गांव-गांव में लोग परेशान रहे, कुड़कियां कर दी गई कि ट्रैक्टर मोटरसाइकिलें गरीब आदमियों को उठा ली गई, लोग परेशान रहे, तिराहे चौराहे पे चेकिंग के नाम पे 500-500, 1000-1000 रुपए की वसूली हुई, तहसील थाने में लोग सुरक्षित नहीं हुए। तो 18 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी जनता को लूट रही है, इस बार जनता आक्रोशित है और जनता ने मन बना लिया है कि जो वचनवीर कमलनाथ जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, और जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जिनकी 22,000 घोषणाएं लंबित हैं आज भी, जिन्होंने नौजवानों से रोजगार के नाम पे छलावा किया, जिन्होंने महिलाओं से 18 वर्ष कुछ नहीं दिया, 18 वर्ष बाद 4 महीने चुनाव के रह गए तो लाडली बहनें याद आईं, और जैसे ही चुनाव का जो भी नतीजा होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर धोखे से भी आ गई तो इस जनता को इतना लूटेगी कि पेट्रोल 200 रुपए पार कर देगी और गैस सिलेंडर 2000 रुपए तक पहुंचा देगी। इसलिए जनता इस बार इनको बाहर करेगी और कांग्रेस को जिताएगी। अभी बोला ये प्रोफाइल है हमारा, एक मिनट का विधानसभा नहीं, नहीं एक ही मिनट में जो पिताजी की योजना को सिंगल आई डी देखिए, स्वर्गीय पिताजी ने अपने जीवन में कई काम किए, 5 बार वो विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, और किसी से छुपा नहीं है इस क्षेत्र में जब वो पहली बार विधायक बने तो न सड़कें थी, न स्कूल थे, न अस्पताल थे। 80% क्षेत्र में वो सड़कें बनाकर गए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। मैं मानता हूँ हर आदमी पूरे काम नहीं कर सकता, कई काम छूट गए, लेकिन उनका बेटा होने के नाते, उनका पुत्र होने के नाते सबसे पहले तो इस क्षेत्र को वो अपना परिवार बना के गए। तो नितिन सिंह राठौर की जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि इस परिवार की रक्षा करना और इनके हर सुख दुख में खड़े रहना। साथ ही साथ उन्होंने जो सपने देखे थे कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत और कुएं में लेकर आएगा, क्योंकि नदी का पानी जब तालाब में आएगा तो हमारे केवट समुदाय के लोगों को मछली पालन करने में फायदा होगा, तालाब का पानी जब खेत और कुएं में आएगा तो हमारे कुशवा समुदाय लोगों को सब्जी भाजी करने फायदा होगा, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है तो लोगों को बेहतर सिंचाई की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ नौजवानों के रोजगार के लिए वो काम करना चाहते थे जिसे उनका बेटा पूरा करेगा। हमारे मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद होगा तो मैं यहाँ पर कोई कृषि से आधारित कोई उद्योग स्थापित कराना चाहूंगा जिससे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके और किसान अपनी पैदावार उसी फैक्ट्री में जाकर बेच सके। जनता का पूरा समर्थन है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि 3 पीढ़ी के हमारे संबंध इस जनता से है, जो हमारा परिवार है, स्वर्गीय दादाजी जिन्होंने जनता की सेवा की, स्वर्गीय पिताजी जिन्होंने इतने वर्ष जनता की सेवा की, और अब जो बेटा है वो जनता की सेवा कर रहा है, और जनता ये फर्क महसूस कर रही है कि एक तरफ जो घर का बेटा है जो इनके लिए हमेशा समर्पित है, जिसके ऊपर भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम आरोप लगाएं लेकिन जिसके ऊपर कोई दाग आज तक नहीं है, और स्वर्गीय पिताजी के ऊपर भी कोई दाग नहीं था,
और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का नेता जो स्वार्थ के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में कदम रखा है, इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है। लेकिन नितिन सिंह राठौर समाज को जिस तरह से स्वर्गीय पिताजी समाज को जोड़ कर रखते थे, नितिन सिंह राठौर समाज के हर वर्ग को जोड़ के रखेगा और तोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं समाज को, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।